नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का भविष्य कितना सुरक्षित, उज्जवल और चमकदार रहेगा, ये नीति आयोग और यूएनडीपी के रिपोर्ट से झलकता है। नीति आयोग और यूएनडीपी दोनों की एक संयुक्त रिपोर्ट आई है और मुझे आप लोगों को भी और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिन कुछ प्रदेशों ने अपने नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है उसमें हमारा बिहार प्रदेश है। कि अभी जो नीति आयोग और यूएनडीपी दोनों की सम्मिलित रिपोर्ट आई है पिछले वर्षों में, या यूं कहें कि पिछले दशकों में, 2005 से ही आया है, कि गरीबी कम करने या लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में जो अपने देश की उपलब्धि रही है और अलग अलग राज्यों की भी जो इस संबंध में उपलब्धियां हैं उसके बारे में नीति आयोग और यूएनडीपी दोनों की एक संयुक्त रिपोर्ट आई है और मुझे आप लोगों को भी और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिन कुछ प्रदेशों ने अपने नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है उसमें हमारा बिहार प्रदेश है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खास तौर पर 2005 से, संयोग से देखिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट तो देखिएगा और यूएनडीपी की रिपोर्ट, तो वो भी 2005-06 से ही उनका रिपोर्ट आया है, 2005-06 से लेके 22-23 तक का उसमें रिपोर्ट है। उसमें सबसे अधिक गरीबी उन्मूलन या गरीबी को घटाने की दिशा में सफल प्रयास बिहार सरकार का हुआ है और आप सब जानते हैं कि 2005 से ही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासनकाल बिहार में आया था और तब से जो लगातार गरीबों की आर्थिक उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए, उसके नतीजे अब सतह पर आ गए हैं और हम लोगों के लिए खुशी और गर्व की बात है कि आज इसकी पहचान या इस उपलब्धि का संज्ञान न सिर्फ पूरा देश ले रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। क्योंकि हमने जैसा कहा कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो यूएनडीपी की सहयोग से बनाई गई है, इसलिए सबसे बड़ी बात आज के दिन यही है कि पिछले, समझिए 2005 से बात करें यानी लगभग 18 वर्षों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार अव्वल रहा है, ये सब हम बिहारवासियों के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रगतिशील नीतियां जो रही, इनके प्रभावी कार्यक्रम जो रहे, वो मुख्य कारक है, उसी के कारण ये नतीजा सामने आ रहा है और आज इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, बाहर भी लोग इसको मान रहे हैं।
और यही बताता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का भविष्य कितना सुरक्षित, उज्जवल और चमकदार रहेगा, ये नीति आयोग और यूएनडीपी के रिपोर्ट से झलकता है और सब लोग आज इसको देख रहे हैं।